नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और इस वीडियो में हम उन वेपन्स की बात करेंगे जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल मेटल से बने हैं। यह उरू मेटल जो इतना पावरफुल है कि इसे पिघलाने के लिए एक न्यूट्रॉन स्टार के पावर की जरूरत पड़ती है जो कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है सिवाय नेवर डेलर के। एंड हाँ, उरू मेटल से वेपन्स को बनाना किसी के भी बस की बात नहीं है, इसे सिर्फ नेवर डेलर के बॉनी ही बना सकते हैं। अब ऑल्दो ये हाइट में हल्क से भी बड़े होते हैं लेकिन फिर भी इन्हें बॉनी कहा जाता है। तो इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं उरू मेटल से बने सबसे पहले वेपन से जो कि है गन्नीर। अब ये ऑफिशियली तो कंफर्म नहीं है कि गन्नीर सबसे पहला वेपन है या नहीं, लेकिन एज इसे ओडिन से पहले उसके पिता बोर ने यूज किया था उससे साफ जाहिर होता है कि एमसीयू में गन्नीर सबसे पहले बनाया गया था। अब गन्नीर एक ऐसा पावरफुल वेपन है जिसे एसगार्ड के रूलर्स वील्ड करते हैं। गन्नीर बेसिकली एक मिस्टिकल स्पीयर होता है जो पावर एंड अथॉरिटी को रिसेम्बल करता है। ये ऐसे मैजिकल एंटेनमेंट से बना होता है जिससे कि ये इसके विल्डर की पावर को मैग्नीफाई करता है। एंड इस वेपन की मदद से इसका विल्डर कंसिस्टेंट एनर्जी ब्लास्ट को भी फायर कर सकता है। अब ये इतना पावरफुल है कि इसे ओडिन दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को भी मैनिपुलेट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि डार्क एनर्जी जिसकी मदद से ओडिन ने थॉर को अर्थ पे भेजा था। एंड गन्नीर की मदद से बायफ्रोस्ट को भी समन किया जा सकता है। अब जो चीज गन्नीर को सबसे स्पेशल बनाती है वो है इसकी डिस्ट्रॉयर आर्मर को कंट्रोल करने की ताकत। गन्नीर में इतनी पावरफुल एंचेंटमेंट्स होती है कि इसको वील्ड करने वाला एसगार्ड के मोस्ट पावरफुल वेपन यानी कि डिस्ट्रॉयर को भी कंट्रोल कर सकता है। एंड इतना ही नहीं, वो डिस्ट्रॉयर आर्मर को किसी भी डिस्टेंस से कंट्रोल कर सकता है, लिटरली किसी भी डिस्टेंस से। यहाँ तक कि लोकी इसकी मदद से एसगार्ड में बैठे बैठे थॉर की बैंड बजा रहा था। अब गन्नीर सभी उरू वेपन्स में सेकंड मोस्ट पावरफुल वेपन माना जाता है क्योंकि ये इतनी पावर रखता है कि कॉमिक्स में ओडिन ने इसकी मदद से गैलेक्सीज तक को वाइप आउट किया है। अब गन्नीर को हमने आखिरी बार थॉर रैग्नारोक में देखा था जब थॉर एंड हेला की फाइट होती है। नेक्स्ट है हम सबका एंड थॉर का मोस्ट फेवरेट म्योलनीर। म्योलनीर एक ऐसा पावरफुल वॉर हैमर है जिसकी एबिलिटीज अपने आप में ही एक सुपर हीरो के बराबर है, जैसे कि ये उड़ सकता है, किसी को उड़ा सकता है, लाइटनिंग को चैनलाइज कर सकता है। लेकिन ये सच में इतनी सारी एबिलिटीज पोजेस करता है कि इसे सिर्फ वो लोग उठा सकते हैं जो उसके वर्दी हो, मतलब वही लड़कियों के नखरे। एनीवेज म्योलनीर बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन है, इतना कि अगर इसे किसी के ऊपर रख दिया जाए तो वो तब तक उठ नहीं सकता जब तक थॉर या कोई वर्दी बींग इसे फिर से आकर उठा ना ले। म्योलनीर को स्पेशली थॉर के लिए बनाया गया था, ऐसा एटलीस्ट स्टार्टिंग में हमें एंड थॉर को लगा था, लेकिन इसे असल में हेला के लिए बनाया गया था जो आजाद होते ही इसे बिस्किट की तरह तोड़ देती है। अब फैक्ट की बात यह है कि एमसीयू में म्योलनीर की डिजाइन को 2 से 3 टाइम चेंज किया गया है। नेक्स्ट है होफॉर्म जिसे सिंपली बायफ्रोस्ट स्वॉर्ड कहा जाता है। ये स्वॉर्ड अपने आप में ही जबरदस्त है क्योंकि ये बस एक स्वॉर्ड ना होके एक चाबी है जो बायफ्रोस्ट ब्रिज को एक्टिवेट करने का काम करती है। अब इसकी मदद से हाइमडाइल किसी को भी 9 रियम्स में इंस्टेंटली टेलीपोर्ट कर सकता है। अब बाकी के उरू वेपन्स जैसे ही होफॉर्म में भी एंचेंटमेंट्स होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्फिनिटी वॉर में जब थानोस पावर स्टोन यूज करके सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है तब होफॉर्म भी मोस्ट प्रोबेबली स्पेस में घूम जाता है या फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर है सबसे पावरफुल वेपन स्टॉर्म ब्रेकर। अब स्टॉर्म ब्रेकर कॉमिक्स में ओरिजिनली बीटा रेबेल का वेपन होता है जिसे हमें एमसीयू में दिखाया गया है एंड इसे एसगार्डियन हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट वेपन माना जाता है जो सिर्फ और सिर्फ एसगार्ड के किंग्स के लिए है। अब स्टॉर्म ब्रेकर के मदद से थॉर बायफ्रोस्ट को भी समन कर सकता है, मतलब ये इतना पावरफुल है कि एक गन्नीर जैसे ही अलग अलग डायमेंशंस के एनर्जी को चैनलाइज कर सकता है। अब अनलाइक म्योलनीर जो थॉर की पावर्स को चैनलाइज करने के लिए था, स्टॉर्म ब्रेकर थॉर की पावर को एम्पलीफाई करके उन्हें एनहांस करता है। पर जो चीज स्टॉर्म ब्रेकर को सबसे ग्रेटेस्ट वेपन बनाती है वो ये है कि ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, यानी कि ये ना इंडेस्ट्रक्टेबल है। एंड इसकी पावर की छोटी सी झलक हमने इन्फिनिटी वॉर में ही देखी थी जब इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को कैंसिल आउट करता है। अब हालांकि वो इन्फिनिटी स्टोन्स की पूरी पावर नहीं थी, लेकिन फिर भी स्टॉर्म ब्रेकर उनकी पावर्स को कैंसिल आउट करने में सक्सेसफुल हो गया था। अब स्टॉर्म ब्रेकर के पास वो सारी खूबियां हैं जो म्योलनीर के पास थी, जैसे कि म्योलनीर फेंकते ही थॉर के पास वापस आता है, वैसे ही स्टॉर्म ब्रेकर भी फेंकते ही थॉर के पास वापस आता है। एंड ऑल्सो थॉर को ये म्योलनीर के ऊपर एक एडवांटेज भी देता है जो ये है कि थॉर जब म्योलनीर की मदद से उड़ता है तब वो उड़ते समय फाइट नहीं कर सकता, लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से थॉर उड़ते हुए भी फाइट कर सकता है। ऑल्सो इस पे वर्दिनिस का एंचेंटमेंट नहीं है तो इसे सबसे पावरफुल लोग भी उठा सकते हैं, लेकिन सिर्फ थॉर ही उसकी पावर को इस्तेमाल कर सकता है। नेक्स्ट है इन्फिनिटी गॉन्टलेट। अब इन्फिनिटी गॉन्टलेट के बारे में आपको ऑलरेडी पता है एज इसकी वजह से एमसीयू में सबसे बड़ा कांड हुआ था, फिर भी इसके शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ मैं कुछ स्पेशल बताऊंगा।
अब इन्फिनिटी गॉन्टलेट को इटरी थैनोस के कहने पर क्रिएट करते हैं ताकि वो उसमें इन्फिनिटी स्टोन्स को फिट करके उन्हें यूज कर सके। अब 6 इन्फिनिटी स्टोन से भरा ये गॉन्टलेट अभी तक का एमसीयू का सबसे पावरफुल वेपन है एंड इसकी मदद से लगभग कुछ भी करना पॉसिबल है। इससे टाइम से लेकर माइंड तक सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। अब बिना गॉन्टलेट के सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को एक साथ यूज नहीं किया जा सकता एंड जो नैनोटेक का गॉन्टलेट हमने एंड गेम में देखा था वो गॉन्टलेट इससे लेस पावरफुल है क्योंकि उरु मेटल मैजिकल पावर्स को एनहांस करता है एंड इसकी पावर को टक्कर देना लगभग इम्पॉसिबल है। अब देखा जाए तो एमसीयू में अभी के लिए गॉन्टलेट किसी भी काम का नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स ही नहीं है, वो कण कण में बिखर गए। अब इस लिस्ट में हमने थैनोस की जो डबल एज स्वॉर्ड है उसे भी इंक्लूड किया था लेकिन एज ये कंफर्म ही नहीं है कि वो किस मेटल से बनी है तो इसे इस लिस्ट से हटाया गया। अब इसके पॉसिबल चांसेस है कि वो उरु मेटल से बनाई गई हो और थैनोस को ये इटरी ने ही बना कर दी हो लेकिन एज एंड गेम में पास्ट वाले थैनोस के पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट बनवाने से पहले ही ये स्वॉर्ड मौजूद थी तो इसे अज्यूम करना गलत होगा। अब अगर आपको आयरन मैन के उरु आर्मर के बारे में जानना है तो आप कैप्टन बीटू के साथ मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं और अगर वाइब्रेनियम के बारे में जानना है तो मेरी ये वीडियो देख सकते हो।